नमस्कार। सो ये बड़ा स्पेसिफिक वीडियो है कि अमृता फरीदाबाद का इम्पैक्ट बाकी कॉलेज पे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के। देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो, क्वालिटी कॉलेज, क्वालिटी एजुकेशन आप में से कौन नहीं चाहता जो भी इस वीडियो को सुन रहा है। जिसने भी नीट की तैयारी की थी, जो भी नीट पे बैठा था, शायद मैं तो आज तक किसी से मिला नहीं जो जिसकी फर्स्ट चॉइस BDS करने की थी या नर्सिंग करने की थी या आयुर्वेदिक करने की थी, राइट। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो डिनाई नहीं किए जा सकते। तो हम सभी MBBS करना चाहते हैं, हम सभी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं। और मैं पहले भी कई बार कह चुका, आज भी मेरे HO किसी से बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी अच्छे होते हैं। सरकारी में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो सस्ते या फ्री के बराबर होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी छोड़ के प्राइवेट लेते हैं अगर उन्हें सरकारी में भी बेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिफाइंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। कोई भी नॉर्थ इंडियन, जब मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल इंडियन, नहीं जाना चाहता सदर्न के 5 स्टेट्स में। नॉट बिकॉज कि हमें कोई दिक्कत है, इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, फूड एंड अदर स्मॉल इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स जो कि रोज़ फेस करने पड़ेंगे, कोई शक की बात नहीं है। और बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो आज किसी से बात हो रही थी मेरी, और फिर से वो कोई नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बता रहे थे कि उनका बेटा ना, बेटी एक्चुअली कोटा में पढ़ते थे, और वो टिपिकल नॉर्थ इंडियन, और कहते हैं कोटा में स्ट्रगल किया। मैं बड़ा हैरान मेरी लैंग्वेज वाली बात सुन के। बेसिकली उनको भी भैया मार्क्स कम है, तो साउथ में मिल गया एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि भाई TN पौंडीचेरी वाली। तो ऐसे ही मैं डिस्कशन करने लगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मुझे आज भी सब कुछ नहीं पता, छोटी छोटी बातों से मैं सीखता हूँ। कभी कभी क्लाइंट से सिखाते हैं। 5 साल पहले एक बहुत अच्छे डॉक्टर क्लाइंट बने थे, उन्होंने हमारी वो ऑल इंडिया कोटा की चॉइस मेरिट लिस्ट बनवाई थी और एक बेसिक समय दिए थे, और फिर वो हर साल रिफाइन होती चली आती है कि हम ऑल इंडिया कोटा की जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है वो कैसे बनाते हैं। और सिमिलरली किसी ने बताया कि अगर पैसे हैं आपके पास तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, चाहे वो कस्तूरबाज हो, JSS हो, JLN हो, अमृता कोची था, अमृता फरीदाबाद था, या जॉली ग्रांट उत्तराखंड, MGM जयपुर, इस तरह के शानदार कॉलेजेस जो पूरी इंडिया में हैं। तो देखिए, हर एक इंसान चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल बजट का भी आता है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये मुजफ्फरनगर मेडिकल की कट ऑफ तो JLN बेलागावी से ज़्यादा है, और आप कहते हो JLN बेलागावी और मुजफ्फरनगर मेडिकल का कोई मुकाबला नहीं है। तो भाई, मैं वही कहता हूँ कि जो मुझसे बात कर रहा होता है ना, अक्सर उनका बजट होता है 1 CR खर्च करने का, और मुझे कभी बार बहुत बेसिक चीज़ें समझानी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को भी, और शायद मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर एक वीडियो को सुन रहा होता है उसके लिए दुनिया वही है जो वो खुद है। तो जो खुद लो बजट है, मतलब पार्डन माई वर्ल्ड की भाई, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए 70 लाख ही बहुत हैं। ऐसे ही फ़ोन मेरे पास आते हैं कि मैक्सिमम केरला कर्नाटका ही हम अपने आपको खींच तान के अफोर्ड कर सकते हैं, कि वही 2 स्टेट भरे हुए हैं और लास्ट तक तुक्का लगा लेते हैं। कुछ हैं जो 70-72 ही मैक्सिमम उनकी लिमिट है, और जिनके लिए 1 CR भी कंफर्टेबल है। तो हम UP की बात करें तो UP में चूँकि हॉस्टल मिला के सारा काम 70 में हो जाता है, इसीलिए शारदा या मुजफ्फरनगर मेडिकल या हिंद बाराबंकी आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो कट ऑफ उसकी बहुत ऊपर रहती है, क्योंकि भाई वो तो बहुत ही सस्ता पड़ता है ना। वो तो हॉस्टल मिला के एज़ पर लास्ट ईयर फीस 63 लाख था, तो मतलब काइंड ऑफ कर्नाटका की फीस वाला हो गया जिसके लिए हम चेस करते हैं। सो दैट डजंट मीन कि वो कॉलेज की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसकी कट ऑफ वो रैंक पर जारी थी 2 लाख 2.25 लाख रैंक, वो इसलिए कट ऑफ ऊपर जाती है क्योंकि उसकी फ़ीस कम है। ये तीनों चारों फैक्टर प्ले करते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, सो नॉर्थ में पहले अगर महंगे कॉलेज की बात करें, मतलब 1 CR के आसपास की, तो वी हैड 2 उत्तराखंडी कॉलेज थे हमारे पास, जॉली ग्रांट और श्री गुरु राम राय। एक हमारे पास था MMU मुलाना, एक हमारे पास था HGT गुड़गावा, और एक हमारे पास था MMU सोलन। यही 5 कॉलेज थे जो उस रेंज में आते थे, वरना पंजाब वाले पंजाब में पढ़ते थे, चलो पंजाब क्लोज स्टेट हो गया तो फिर भी 70-75 में काम हो जाता था 10 लाख वाली सीट लेकर भी। UP में मैक्सिमम सारे काम आपका 70 के अंडर हो गया, हरियाणा में एक HGT को छोड़ के 70 के अंदर हो गया, अब MMU साधोपुर आ गया 1 CR। तो अभी नॉर्थ के सिर्फ 4-5 स्टेट पकड़ो ना, और ये सिर्फ 4-5 जी, इसमें UP तक भी आ जाता है, राइट। तो 1 करोड़ के 4 ही कॉलेज थे, फिर मेरी कट ऑफ आप देखोगे 350 तो गिर जाती थी, क्योंकि कई लोग थे जो 1 CR भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस साल इन सभी का बजट 110 हो गया है, और इनके साथ ही कॉम्पिटिशन में अमृता फरीदाबाद आ गया सेम बजट लेके। अब नो डाउट अमृता फरीदाबाद बहुत अच्छा है, बट क्या सारे नॉर्थ इंडिया के
500 मार्क्स वालों ने अमृता फरीदाबाद लिया, नहीं, कोई 580 वाले अभी भी कस्तूरबाई जाएंगे, हमदर्द जाएंगे, किन्हीं का लगाव है, मेरी स्टूडेंट है उसको अमृता मिल सकता था लेकिन शी हैज़ ए वेरी क्लोज स्कूल फ्रेंड जो JSS में लास्ट ईयर चली गई थी, चलो जी मैं उनके साथ JSS चली जाती हूँ, तो वो सब फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। बट अमृता एक आ गया 1 CR प्लस की फ़ीस लेके, अब वो जितनी भी सीटें लेकर आया 150, उसमें जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं, ये वो अमीर बच्चे हैं नॉर्थ इंडिया के, राइट। और ठीक है, हर एक ना पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, तो हर साल एक प्रकृति का नियम है कि शायद नॉर्थ इंडिया में वो 500 ही बच्चे होते हैं जो 1 CR प्लस की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। और वो 1 CR की फ़ीस देने वाले कुछ जॉली ग्रांड जाते थे, कुछ श्री गुरु राम राय जाते थे, कुछ MMU मौलाना जाते थे, कुछ साउथ भी चले जाते थे, जो बहुत टॉप हो गए वो मणिपाल, जमशेदपुर या मणिपाल, मैंगलोर, JLN ऐसे ऐसे चले जाते थे, वो अभी भी ऑप्शंस हैं, राइट। तो अब हम जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो मौलाना की कट ऑफ गिरने की वजह सिर्फ यही है कि अमृता उसके बच्चे ले गया। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि जो पहले मौलाना मांगते थे एस चॉइस वन, और इस बार सब ने कर दिया अमृता मौलाना, अमृता मौलाना, अमृता मौलाना। आप एक्सेल शीट भी देखेंगे एलोकेशन की, तो प्रैक्टिकली फिर भी 4-5 ही बच्चे थे जिन्होंने मौलाना लिया है, जिन्हें अमृता मिल सकता था, वरना मौलाना की सारी की सारी मतलब मिला ही लिया ही उन्होंने जब अमृता ख़त्म हो गया, अगर आप एक्सेल शीट को देखोगे। और इसी लॉजिक की वजह से इस बार उत्तराखंड के भी दोनों कॉलेज की कट ऑफ गिरने की उम्मीद है, अब उसका रिजल्ट कल आ ही जाएगा। और इसी वजह से SGT भी राउंड 3 में गिरने की उम्मीद है। राउंड 1 तो मैं हमेशा कहता हूँ हरियाणा का मैटर ही नहीं करता, बट SGT भी राउंड 3 में नीचे आएगा, और स्पेशली उत्तराखंड के दोनों कॉलेज और MMU मौलाना नीचे आने चाहिए। साधोपुर की वजह से काफ़ी प्रेशर है सोलन पे, क्योंकि सोलन भी तरह से 250 मार्क्स वालों का एक सहारा था, अ डिसेंटली गुड अबव एवरेज टू गुड कॉलेज, 1 CR के बजट में मिल जाता था, तो ले लेते थे हमारे बच्चे जिनके 250 मार्क्स हैं, वी कैन अफोर्ड एंड वी डोंट वॉन्ट टू गो टू झज्जर और पानीपत और कृष्णा मोहन और वरुण अर्जुन और वेंकटेश्वर गजरौला और NCR टाइप ऑफ कॉलेजेस, एंड वी डोंट वॉन्ट टू गो टू बिहार एंड ऑल दैट ऑल्सो। अब ये सब बच्चों के पास एक साधोपुर की भी ऑप्शन है, तो आई थिंक साधोपुर की वजह से प्रेशर पड़ेगा सोलन की कट ऑफ पे, और सोलन की कट ऑफ नीचे गिर सकती है उस वजह से। और पर सोलन ने भी फीस बढ़ा दी इस साल, तो वो भी 1+ है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मौलाना की कट ऑफ क्यों गिरी, क्यों अभी और गिरेगी, और मुझे डाउट है, मुझे यकीन है कि उत्तराखंड के भी दोनों कॉलेज जो भी उनके लास्ट ईयर कट ऑफ से, उसमें कम से कम 30-40 नंबर का गिरावट आएगी अक्रॉस द राउंड्स, और फाइनल रिजल्ट में भी कम से कम, मतलब देखो नंबर सेम रह सकते हैं, लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ, एक्चुअली 40,000 से 50,000 रैंक नीचे गिरेंगी, तो मे बी नंबर्स के टर्म्स में नीचे ना आए, क्योंकि हम जानते हैं ना आजकल इस बार सेम नंबर्स पे 50,000 से 1,00,000 रैंक नीचे है, तो हम रैंक के दरमियान बात करें तो रैंक नीचे आएगी दोनों की ही, और मार्क्स भी नेट मार्क्स भी और नीचे आ सकते हैं 20-30 मार्क्स आराम से, सो मतलब बहुत ज़्यादा रैंक गिरेगी। बट दैट डजन मीन कि जॉली ग्रांड की क्वालिटी ख़राब हो गई, या श्री गुरु राम राय की क्वालिटी ख़राब हो गई, या मौलाना की क्वालिटी ख़राब हो गई, इट इज़ सिंपली बिकॉज इन सब की सीट लेने वाले लोग जो अफोर्ड कर सकते थे इतनी फीस, उनमें से काफ़ी लोगों ने अमृता ले लिया है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर साइकोलॉजी, दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग सेगमेंटेशन, एंड एज ए ऑलवेज से कि आई एम नॉट MBBS काउंसलर ओनली, वी आर प्राइमरली अ करियर काउंसलिंग एंड मेंटरिंग कंपनी GKWorks, जिसके अंदर MBBS काउंसलिंग हमारा एक पार्ट है जो हम बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं इन 3 महीनों में 4 महीनों में। इसके साथ साथ हम दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी करते हैं, और बाकी 9 महीने इन 3 महीनों में भी हम नॉर्मल स्टडी अब्रॉड भी करते हैं, कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया भेजना, नॉर्मल करियर काउंसलिंग, करियर मेंटरिंग के लिए बच्चे काफ़ी हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं फॉर प्रॉपर करियर मेंटरिंग काउंसलिंग सेशंस। तो इसलिए हम उन ढेरों बच्चों से बात करके वी अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी मच मोर देन मे बी अ टिपिकल MBBS एजेंट और MBBS काउंसलर, जिन्हें सिर्फ कट ऑफ और फॉर्म भरना और फॉर्म की डेट्स आपको बताना आता है, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डिटेल्स। ओके, सो हमसे अभी भी जुड़ना चाहें, हमसे बात करना चाहें, 9643362320 पे कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट कॉल के आप जानते ही हैं 2,500 रुपये रहते हैं। फेस टू फेस मीटिंग करना चाहें दिल्ली में,
और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। मैंने शुरू में कहा था आपको डेढ़ महीना पहले कि दूर के चक्कर मेरे ख़त्म हो जाएंगे वंस दी रियल काउंसलिंग स्टार्ट्स, और जहाँ सारा मैं वहीं जा सकता हूँ जहाँ से मैं दिल्ली में एक से डेढ़ घंटे दो घंटे पहुँच जाता हूँ बाई ड्राइव, तो विच इज़ रोहतक या हमारा एक ऑफिस है पानीपत में हिसार में है, तो वहाँ मेरे चक्कर लगते रहते हैं, या बहुत खींच के जयपुर तक या अलीगढ़ तक, लेकिन उसके आगे लखनऊ मुश्किल हो जाता है क्योंकि मतलब इट्स नॉट अबाउट, उसमें भी जाया जा सकता है दो दिन का ट्रिप, बट लखनऊ इज़ लाइक 7-8 आवर्स ड्राइव, मतलब किलोमीटर में गिने तो 250 किलोमीटर तक मैं ट्रैवल करता हूँ फॉर मीटिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपसे कही था कि हमारी कुछ जो हम एज एन एजेंट काम करते हैं और कभी कभार आपको हेल्प करते हैं नेगोशिएटेड सीट्स दिलवाने में, NRI सीट्स दिलवाने में या दूसरे तरह की सीट्स दिलवाने में, तो उसके लिए मैं ट्रैवल करता हूँ कभी कभी, तो आपको मिलना हो तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा इस समय ज़्यादातर। तो ठीक है, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और आप समझिए कि कट ऑफ गिरने से सिर्फ कॉलेज की क्वालिटी नहीं ख़राब हो जाती। DY पाटिल पुणे बहुत शानदार कॉलेज है, DY पाटिल नवी मुंबई बहुत शानदार कॉलेज है, उनकी कट ऑफ नीचे सिर्फ इसलिए है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और कोई कारण नहीं है। हर एक इंसान वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कभी कभार अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में कम मार्क्स वाले बच्चे वो कॉलेज में चले जाते हैं तो आपको कट ऑफ कम नज़र आती है, और कभी कभार सस्ते कॉलेज की कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।